सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा और MH1 न्यूज पर अब वक्त है पंजाब एक्सप्रेस का, जिसमें होंगी पंजाब से जुड़ी तमाम खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पंजाब के कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की 550वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए वित्तीय सहायता मांगी है। वहीं उन्होंने आप नेता सुखपाल खैरा के 2020 रेफरेंडम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से रुख साफ करने की बात कही। खेड़ा सेल्फ ओपिनियटेड आदमी है, उन्हें तो सिर्फ इंटरेस्ट है कि वो ना अखबार चाहे सब कुछ आए। पहले उसने बात ये कही कि मैं चाहता हूं कि 2020 रेफरेंडम फॉर खालिस्तान विद इन इंडिया, कैन यू एवर हैव दैट? सम द मैन डजंट थिंक स्ट्रेट। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई विल गो इन टू दिस इशू एज टू मिस्टर खेरा स्टेटमेंट विच इज डिनाइंग नाउ। I will find out if there is anything legitimate there, we will register a case. Well, his leader of his party in the house has made it clear he wants a 2020 referendum, though he is denying it now. So Mr. Kejriwal should come out to say what is his stand. 500 Punjab saal da ta naturally assi karange. The Prime Minister has given full support. जलियांवाला बाग का 100 साल है, गुरु नानक देव जी का 550 साल है, एंड गांधी जी 150th ईयर। ऑल दीज इश्यूज सर फाइनेंशियल सपोर्ट में। अमृतसर के हलका मजीठा में कांग्रेस की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी सुनील जाखड़ मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस दौरान जहां सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार को महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर घेरा, वहीं 2019 चुनाव की तैयारियों को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ मंथन भी किया। रैली में अमृतसर हलकों के विधायक और स्थानीय नेता भी शामिल हुए। पंजाब दी अमन शांति के खिलाफ अगर कोई बोलूगा उन्हें कानूनी कार्रवाई झेलनी पूगी। पंजाब दी राजनीति के अंदर कोई सियासत के अंदर कोई जगह नहीं। भोले भाले किसानों को बीजेपी कोई ना कोई झांसा दे देगी। आ जिहड़ा पेट्रोल के पैसे इन्होंने ले इकट्ठे किए हैं पिछले 4 सालों के अंदर, बीजेपी ने डीजल के पेट्रोल के अंदर जिहड़ा फर्क है, सस्ता बाहरों खरीद के कच्चा तेल महंगा इतने पेट्रोल डीजल बेच के 12 लाख करोड़ रुपये कमाई है, उन्हें हुण लोगों को चाहे कर्जा माफ कर चाहे MSP बदल, लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास बीजेपी करूगी। पर असी लोगों को जागरूक कर रहे हैं भी आ जिहड़ा पैसा है थोड़ी जेब चो कढ़िया गया है तो लोगों के उत्ते इन्हों वापस दे के कोई एहसान नहीं करूगी बीजेपी। जलंधर पंजाब के विपक्ष नेता सुखपाल खैरा ने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सिद्धू का विरोध भी वही लोग और विधायक कर रहे हैं जो कि भ्रष्ट तंत्र को खत्म नहीं होने देना चाहते। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फिरोजपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हुसैनीवाला के शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीदी स्मारक के निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करवाने का ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने हुसैनीवाला पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं थानू जो पिछली बार आया कह के गया कि जो पिंकी भाजी ने इस हल्के की मंग रखी है उन्होंने पूरा कर देंगे। 8 करोड़ रुपया फिरोजपुर के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, बड़ी छेती तुहाडे कोल पैसे पहुँच जाएंगे। उहदे च एक तो VR शो लेजर शो होंदा, दूसरा जिहड़ा रेलवे वाला जिहड़ा एरिया है इहनू प्रिजर्व करने वास्ते, तीसरा कैफेटेरिया।
ਵਧੂਗਾ, ਕਰੋੜ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ADB ਚੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। पंजाब में आए दिन नदियों के दूषित होने का मामला सामने आया, जिसको लेकर फरीदकोट में सामाजिक संस्थाओं की ओर से विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्धिजीवियों और प्रकृति माहिरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में संत बलबीर सिंह टीचेवाल विशेष तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उनका कहना था कि पानी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या हो सकती है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है और तालाबों के पानी को रीट्रीट कर खेती और अन्य कार्यों में इस्तेमाल होना चाहिए। इकट्ठे होकर पंजाब का प्रदूषित वातावरण बचाने लिए मुहिम चलानी पेगी, सरकार के दबाव आना पेगा, अपने आप सुधार करना पेगा। सानू सारे रल के जो समाज सेवी ने, समाजिक ने, धार्मिक ने, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਏਗਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗੜ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੁਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ 100% ਹੱਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅੰਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਚ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जगराव के गांव चौकीमान में बने रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जिससे उसके नीचे से गुजरने वाले लोगों को गिरने का डर रहता है। लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो इस बात की शिकायत कई बार रेलवे के सीनियर अधिकारियों और प्रशासन के सीनियर अफसरों को इस बात की जानकारी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर लोगों ने रोष जताया और कहा कि जल्द से जल्द अंडरब्रिज को पानी की निकासी के लिए तैयार किया जाए। ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਆਏ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖਰਾਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਤ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਚੱਕਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੁੰਦੜੀ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ 27-28 ਪਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਹੀ 5-6 ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब सरकार की तंदुरुस्त पंजाब मुहिम के तहत लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा रहा है, ताकि लोगों को बीमारियों से दूर रखा जा सके। इसी कड़ी के तहत मानसा में बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बाजार में भेजा जा रहा है और वहां एक्सपायरी दूध के पैकेट के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अगर इनमें कोई भी खराबी पाई गई तो संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ।
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। अम्बाला में पंजाब बिरादरी विकास सभा हरियाणा के प्रधान संदीप सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 जून को पंजाबी समाज के उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन मेधावी छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। इस दौरान पंजाबी सभा के प्रधान संदीप सचदेवा ने यह भी कहा था कि पंजाबी समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके और वो आने वाले समय में समाज व राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में अपने परिवार और पंजाबी समाज का नाम गौरवान्वित करने वाले 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और प्रोत्साहित करने के लिए ताकि अपने वो इस मोमेंटम को शिक्षा को बढ़ा के रखें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग दें, ऐसा करने के लिए मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा ने एक कार्यक्रम दिनांक 24 जून रविवार शाम को 4 बजे अम्बाला शहर पंचायत भवन में रखा है। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना है। पठानकोट के आईएफएस संजीव तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी शिकायत है कि जब भी उन्हें इल्लीगल माइनिंग की खबर मिलती है तो वो अपने अधिकारियों के साथ उसे रोकने के लिए वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जब वे पुलिस को इस बारे में सूचित करते हैं तो पुलिस कभी भी वक्त पर नहीं आती है और जब पहुंचती है तब तक माइनिंग माफिया अपनी जेसीबी मशीनें लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान उनका कहना था कि वे इस बारे में कई बार पठानकोट के डीसी को चिट्ठी लिख चुके हैं लेकिन इस मामले में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी असं चैकिंग करन जाते हैं मौके के उत्ते जाके पुलिस को फोन करीदा वा भी जेसीबी वगैरह आई हुई हैं बट कुछ टाइम लैन तो बाद पुलिस उत्ते मौके पर नहीं पहुँचती जद तक जेसीबी वाले अपना काम करके चले जाते हैं तो कई बार इस तो बाद उन्होंने रिपोर्ट की जाती है पुलिस को भी आह मतलब माइनिंग हो रही थी तो एट द टाइम नहीं पहुँचे है माइनिंग अफसर में भी रिपोर्ट की गई है। इलीगल माइनिंग रोकने के लिए हम समय समय पर कार्रवाई करते रहे। जब भी हमें सूचना मिलती है तो हमारे पास स्पेशल टीम भी बनाई है। अभी हमने डिप्टी डीएफओ को भी लगाया है उसमें हमारे डिप्टी रेंजर की ड्यूटी भी डीसी साहब ने लगाया हुआ है कि चेक करते टाइम टाइम पे। जब भी हमें सूचना मिलती है मौके पर जाके कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जब हम मौके पर गए हैं और हमें पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला है और या तो पुलिस वाले गए तो बाद में गए जिसके कारण फिर वो जो जेसीबी मशीन से जो भी है वो लेके भाग गए जिसकी सूचना हमने ऑलरेडी लिखती तौर पे भी ऑफिशियली तौर पे भी अपने उच्च अधिकारियों को और डीसी माइनिंग अफसर एसएसपी को किया हुआ है। और पंजाब एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।